हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इशफाक और आज इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है ये उन लोगों को मोटिवेट करना जिनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या किसी दूसरी प्रॉब्लम की वजह से, चाहे वो चोट लगना, एक्सीडेंट होना, उनका सीपी के लेवल जो है बढ़ा हुआ है और उनको चलने फिरने में प्रॉब्लम है, मसल्स में उनके बहुत ज़्यादा वीकनेस है और ये प्रोग्रेसिव क्योंकि एक प्रॉब्लम है, टाइम के साथ बढ़ती रहती है। और इनको क्या होता है, इस तरह के पेशेंट को जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो सीपी के लेवल जो ये एंजाइम है क्रिएटाइन फॉस्फोकाइनेज, उनके ब्लड में जो इसका लेवल बढ़ता चला जाता है। जो नॉर्मल रेंज होती है इस एंजाइम की वो 180 से 190 होती है, लेकिन उससे ऊपर जब ये बढ़ता है तो मसल्स, इसका मतलब है आपका मसल्स जो है डैमेज हो रहा है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्रेकेज हो रही है, टूट फूट हो रही है और आपकी मसल्स जो है वीक हो रही हैं। तो इस तरह के जो भी पेशेंट है, क्योंकि इस तरह के जो पेशेंट होते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के, वो जिन जब उनको ये बीमारी हो जाती है, जब ये पता चलता है तो बिल्कुल ही नाउम्मीद हो जाते हैं। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। तो हमने जो होम्योपैथी के कम्बिनेशन जो हम देते हैं, मेडिसिन देते हैं, वो काफ़ी जैसे जैसे टाइम के साथ जो है उसमें कुछ और मेडिसिन हमने ऐड की हैं, कुछ और उसमें देखा गया है जैसे जैसे पेशेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किस तरह की मेडिसिन कौन सी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के ऊपर ज़्यादा इफेक्टिव है, किस एज में और कितनी पोटेंसी में ये मेडिसिन देनी है और उसका वेट पेशेंट्स का क्या, कई चीज़ें इसमें ध्यान में रखते हुए जो मेडिसिन हम इंक्लूड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, उससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट और बहुत ही जल्दी रिजल्ट जो है हमें मिल रहे हैं। सीपी के लेवल भी कम हो रहा है, नॉर्मल रेंज में आ रहा है और दूसरी चीज़ जो मसल्स में जो वीकनेस है उसमें भी ताकत आ रही है। अब मैं आपको इस वीडियो में दो अपने पेशेंट्स की रिपोर्ट शेयर करूँगा। रिपोर्ट शेयर करने का मकसद कोई ऐड करना नहीं, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, मोटिवेट करना है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट्स को, उनको उम्मीद जगाना है कि आप भी ठीक हो सकते हैं, आपका सीपी के लेवल भी कम हो सकता है, आपकी मसल्स में ताकत आ सकती है, आपकी मसल्स स्ट्रेंथ आ सकती है और आप नाउम्मीद ना हो। तो ये जो पहला पेशेंट है, इसका जो जब हमारे पास इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था तो 2700 के करीब सीपी के था और अब इसको करीब 3 महीने ट्रीटमेंट लेने के बाद जो इसका सीपी के लेवल है वो 1400 आया है, मतलब सीपी के लेवल इसका कम हुआ है, कंडीशन में भी इम्प्रूवमेंट है। और जो दूसरा पेशेंट है उसका सीपी के लेवल जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था तो करीब 750 था और अब जो है इसका ट्रीटमेंट लेते हुए 5 महीने हो गए इसको और 450 सीपी के लेवल है और बहुत ही अच्छी तरह से ये जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो उम्मीद है कि सीपी के लेवल और कम होगा और नॉर्मल रेंज में आएगा और जो मसल्स में अभी वीकनेस है वो वीकनेस भी बिल्कुल ठीक होगी। क्योंकि कई मेडिसिन हमने और इंक्लूड की हैं, रिसर्च चलती रहती है, रिसर्च हम करते रहते हैं, पेशेंट को देखते हैं, पेशेंट हमारे पास आते रहते हैं, देखते हैं कि किस तरह की मेडिसिन जो है किस तरह की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पे, किस तरह का कितने सीपी के लेवल पे उसका जो है इफेक्ट ज़्यादा है। तो एक रिसर्च वर्क है, ये कोई ऐसा नहीं कि एक दिन में दो दिन में, काफ़ी समय से काफ़ी टाइम से हम इस फील्ड में हैं, पेशेंट्स को देख रहे हैं, मेडिसिन को भी देख रहे हैं कि कौन सी मेडिसिन किस तरह से, कोई स्पेसिफिक मेडिसिन तो इसमें होती नहीं होम्योपैथिक में कि आप ये मेडिसिन दे दो तो आपकी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ठीक हो जाएगी। जैसे जैल्सीमियम, बहुत से लोग पूछते हैं कि जैल्सीमियम लेंगे तो हमारी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ठीक हो जाएगी, तो खाली जैल्सीमियम यूज़ करने से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ठीक नहीं होती या कॉस्टिकम लेने से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ठीक नहीं होती। इन दो मेडिसिन के बारे में बहुत पेशेंट जो है मेरे से पूछते हैं, वो काफ़ी टाइम से ले रहे हैं इन मेडिसिन को लेकिन उनका मस्कुलर डिस्ट्रॉफिक में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा। तो इस तरह से कोई भी आप स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं दे सकते किसी भी मस्कुलर, स्पेशली जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, किस तरह की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, 10 तरह की करीब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, किस एज में स्टार्ट हुई थी, अब क्या कंडीशन है, पेशेंट्स के क्या सिम्टम्स हैं, उसकी एज कितनी है, वेट कितना है और क्या क्या उसको परेशानी हो रही है, कैसे कैसे उसको सिम्टम्स हो रहे हैं, ये सब चीज़ें देख के जो मेडिसिन सेलेक्ट की जाती है और दी जाती है। तो मेडिसिन कौन सी देनी है ये सेलेक्ट करके कम्बिनेशन बना के जब देते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट पेशेंट्स में मिलते हैं। तो आज का वीडियो बनाने का मकसद यही था कि अपने पेशेंट्स को या जो उन लोगों को जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से सफ़र कर रहे हैं मोटिवेट करना, उनको जो नाउम्मीद है उसको नाउम्मीद से बाहर निकालना, उनको बताना कि आप भी ठीक हो सकते हैं, आप भी एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो अगर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आपको है या आप इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, सीपी के लेवल बढ़ा हुआ है, तो व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है या जो स्क्रीन पर भी चल रहा है उसमें आप कॉन्टेक्ट करके मैसेज करें और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के ट्रीटमेंट या उसके इन्फॉर्मेशन के बारे में जान सकते हैं। तो आज के लिए इतना है, बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।